डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो ट्वीट की और उसके ही इनिशियल आपसे कमेंट, हमें जो कहा जा रहा है कि आपके साथ तो ताबून हम जारी रखने को तैयार है, अगर आप कुछ फैसला को इकदाम कर दें, उसमें कबाहत इतनी क्या है, या हमने या वो इकदाम नहीं किए और हम अब उनकी बुलिंग में नहीं आना चाह रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इकदाम तो बहुत कुछ किए हैं, अब उनको मुख्तलिफ वक्तों पे जब ये हमें पैसा रिलीज़ होता रहा वहाँ से, तो उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो नोटिफाई करते हैं ये सारी चीज़ें कांग्रेस को कि पाकिस्तान ने ये किया है, लिहाजा उनको ये पैसा देना चाहिए या ये मिलिट्री इक्विपमेंट देना चाहिए। उस ज़माने में आता रहा इसी तरह, वैसे तो उसके बगैर नहीं आता रहा। जितनी भी इमदाद थी वो कंडीशनल थी, सर्टिफिकेट उसके साथ देना पड़ता था प्रेसिडेंट को, तो वो सर्टिफिकेशन होती रही है। उसमें बड़ा एलेबोरेट, अगर आप पुरानी रिपोर्टें निकाल के देख लें बुश के वक्तों की भी, तो उसमें उसने इतराफ़ किया हुआ है कि पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर हमारी हेल्प के लिए इतने ट्रुप्स डिप्लॉय किए हुए हैं और उनका ये खर्चा और ये बिल आते हैं, लेकिन उसमें भी वो पूरा नहीं आपको देते थे, वो उसको कटौतियाँ करके उसका ऑडिट किया, ये किया, वो किया, और फिर आपको थोड़े पैसे मिलते थे, बहरहाल देते रहे। अब चीज़ ये है कि अब जो ट्रंप जो करने जा रहा है उसमें उसके मुख्तलिफ अजायम हो सकते हैं। आपको पता है कि वो शख्स जो है वो पैसे की बार बार बात करता है और पैसा दुनिया से निचोड़ना भी चाहता है, सऊदी अरब में सौदे और जगह जहाँ जहाँ वो, और वो फिर कहता है कि जी जॉब्स भी जो हैं वो जो आउटसोर्स किए हुए वो ख़त्म करें, अमेरिका में लाएं, फर्स्ट अमेरिका अमेरिका फर्स्ट, ये सारी बातें होती हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि वो पाकिस्तान की सिर्फ इमदाद बंद करके, तो वो उसको एक्सक्यूज़ चाहिए कि पैसा आपको ना दें, वो पैसा बचाना चाहता अपना। ये चीज़ उन्होंने पहले भी की थी, जब हम अफगान जहाद में शामिल थे और जैसे ही अमेरिका वहाँ से निकला तो उन्होंने साथ ही आप पे, वो सारी चीज़ें पहले से हो रही थी लेकिन उस वक्त उनको खड़ा कर दिया कि जी नारकोटिक्स यहाँ से जा रही हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका है, $4 बिलियन का हमें देना था, उन्होंने $2 बिलियन सिविल उसके लिए थे और 2 फौजी इमदाद के थे, वो $4 बिलियन उन्होंने रोक दिए, बंद कर दिए, तो वो भी